जिनको आज सब्जेक्ट है 10 मिनट की बात करने का, जिद जिद्दी व्यक्ति हैं, इतिहास रचता है। तो हमारे बीच में आप लोग के जबरदस्त तालियों के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ सूरज मौर्य जी। यस सूरज जी, धन्यवाद जय और सीएम। मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य। दोस्तों, मैं चंदौली जिले में पैदा हुआ और बापूजी के साथ में सोनभद्र में आ गया। जमीन मेरे पिताजी लिए थे, यहाँ पे जिंदगी कहानी चालू हुई और पांचवी तक मैंने पढ़ाई लिखाई किया। और पांचवी में जितना क्लास का समय था उसमें आधा समय मैं रहर और चना में बिताया, चुरा के बेचने में बिताया और रहर के खेत में बिताया। पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पे खत्म हो जाती है। छठवीं में एक एडमिशन मेरा होता है, 11 दिन स्कूल जाने के बाद दोबारा मैं स्कूल को ही बंद कर देता हूँ। 12वें दिन भाग जाता हूँ, वापस अपने घर आता हूँ और बाबूजी के साथ में मिलजुल के खेती बाड़ी का काम स्टार्ट करता हूँ, हल जोतने का काम स्टार्ट करता हूँ, पूरी खेती संभालता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं सब्जी बेचने का कारोबार स्टार्ट करता हूँ। सब्जी बेचने का मेरा कारोबार ठीक ठाक शुरुआत हो गया था। उसी बीच में मुझे आरसीएम बिजनेस मिला और आरसीएम बिजनेस देने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री अंगद प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके माध्यम से आरसीएम बिजनेस मिला। और आरसीएम बिजनेस मिला और काफी मैं मीटिंग और सेमिनार में गया और वहां से मेरे अंदर एक जिद आया, एक पागलपन आया, कामयाब बनने की एक भूख जगी। दोस्तों, वहां से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। जीवन का संघर्ष बहुत बड़ा है, पीछे बात करेंगे कभी मेरी मीटिंग में। लेकिन दोस्तों, आज मेरे को 10 मिनट का समय मिला और इतने बड़े मंच पे मेरे को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे कि आपको कामयाब बनने के लिए आपके पास में जिद होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जब तक आपके अंदर जिद नहीं है और पागलपन नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। दुनिया का इतिहास उठा के देखिए कि जिनके पास जिद रहा, एक लंगड़ा व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, एक व्यक्ति 17 बार चुनाव लड़के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गया, चाय बेचने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक रामेश्वर में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति बन गए, धीरू भाई अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाला आदमी 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। दोस्तों, दुनिया में हजारों उदाहरण है लेकिन वो लोग जिद्दी बने, उन लोग के अंदर पागलपन था, कामयाबी की भूख थी, जिद की भूख थी, सफल बनने की भूख थी और वो लोग इतिहास में नाम दर्ज करा गए। दोस्तों, आज हम लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर अपना इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं एक ऐसे ही जिद्दी व्यक्ति के बारे में। आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपसे, एक इंसान जो बिहार की धरती गया जिले के बगल में एक गांव है जिस गांव का नाम है गहलोर। गहलोर गांव में एक इंसान का जन्म होता है, वो माधी जात में जन्म लेते हैं, पिछड़ी जात में जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है, मूस मार के खाने वाले व्यक्ति होते हैं। 1960 के आसपास की बात है दोस्तों, बहुत पहले की ये बात है। वहां के लोगों को गुलाम बना के रखा जाता है। दशरथ माझी जी का पैदा होते हैं, बाल विवाह उनका बचपन में शादी हो जाता है। वहां के मुखिया के पास वो गुलाम बनना चाहते थे लेकिन गुलाम नहीं बन पाए, पहाड़ चढ़ के भाग गए और भागने के बाद चले गए धनबाद, कोयला में जाकर के काम करना स्टार्ट किए। लेकिन 22 साल की उम्र में वापस अपने गांव पे आते हैं। दोस्तों, एक गहलोर गांव होता है, इधर इधर वजीरगंज शहर होता है, बीच में एक पहाड़ होती है। उस शहर से उस गांव में आने के लिए 80 किलोमीटर दूरी को घूम के आना पड़ता है। लेकिन वो पहाड़ क्रॉस करने के बाद मात्र 3 और 4 किलोमीटर में वो दूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, पहाड़ बीच में था, सबसे बड़ा रोड़ा वो पहाड़ था। लेकिन दशरथ माझी जी अपने पत्नी को लाते हैं, ठीक ठाक जिंदगी को बिताते हैं, जिंदगी का शुरुआत हो जाता है, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन उस गांव के लोग, सारे लोग उस शहर में जाते थे काम करने के लिए और सबकी पत्नी खाना लेकर के पहाड़ चढ़ के अपने पतिदेव को खिलाने जाया करती थी। दशरथ माझी जी भी काम करने गए, उनकी पत्नी ने पहाड़ पे खाना लेकर चढ़ रही थी, पानी लेकर चढ़ रही थी, एक बच्चा पेट में था, एक बच्चा गोद में था। अचानक दोस्तों पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। एक लड़का जाके बोलता है कि दशरथ भैया तेरी मेहरिया पहाड़ से गिर गई रे। वो भागे भागे आते हैं, उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि अगर 2 घंटा पहले आ गए होती तो बच गई होती। दोस्तों, वहां से आने के बाद वो व्यक्ति जिद्दी बन जाता है, वो व्यक्ति पागल बन जाता है, पहाड़ में आग लगा देता है, पहाड़ को चीरने का संकल्प ले लेता है, उठाता है छेनी और हथौड़ी और पहाड़ काटने का काम चालू कर देता है। लोगों ने बहुत कमेंट किया, बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा एक हनुमान जी थे पहाड़वे उठा लिए थे, दशरथवा पगला गया है, ये चला है पहाड़ काटने, उनका बोरा बाबा नाम रख दिया गया। दोस्तों, पहाड़ काटते रहे, पहाड़ काटते रहे। लगभग 5 साल बीतता है, 5 साल बाद एक पत्रकार से मुलाकात होती है। वो पत्रकार पूछता है कि बाबा पहाड़ क्यों काट रहे हैं। वो बोले कि पहले मेरे अपने जोरों से प्यार था, अब इस पहाड़ से प्यार हो गया है, इसलिए मैं पहाड़ काट रहा हूँ। वो पत्रकार चला जाता है, फिर 7 साल बाद आता है, फिर बोलता है कि बाबा देखिए आप एक पहाड़ चीर रहे और एक मैं सच्चा पत्रकार बनना चाहता था, नेताओं का ठल्ला बन के रह गया। दशरथ माझी ने बोला कि अपना अखबार क्यों नहीं छाप देते हो। वो व्यक्ति बोला अखबार छापना इतना आसान है। बोले पहाड़ तोड़ने से ज्यादा कठिन है
एक व्यक्ति को बात लग जाती है, वो वापस जाता है, अपना अखबार छापता है और एक साल बाद आता है, सबसे पहले दशरथ मांझी जी का फोटो छापता है, दशरथ मांझी जी को लेकर के इंदिरा गांधी से मिलवाने पटना जाता है, इंदिरा गांधी बोलती है दिल्ली आओ, वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है, ट्रेन से लात मार के बाहर निकल जाता है, ट्रेन की पटरी पकड़ के दोस्तों वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां से गार्ड लोग उठा के उनको बाहर फेंक देते हैं, वापस फिर पटरी पकड़ के गहलोर आ जाते हैं, फिर छेड़े और हथौड़े उतारते हैं, फिर पहाड़ काटने काम चालू करते हैं। लगभग 10 साल बीत गया, गांव में सूखा पड़ गया दोस्तों, गांव के सब लोग भाग गए, पूरे लोग इलाका छोड़ के चले गए। दशरथ मांझी की बाबूजी बोले चल साले नहीं मर जाओगे, बोले कि कुछ भी हो जाए मैं पहाड़ छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो पहाड़ काटने का सिलसिला जारी किए, लेकिन अचानक उनको प्यास लगता है, गांव में आते हैं, एक कुआं में देखते हैं पानी सूख जाता है, कुआं के अंदर चले जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, कुएं के तरी से व्यक्ति फिर जिंदा होता है और फिर पहाड़ काटने का काम चालू करता है, पहाड़ काटते रहते हैं, एक दिन को सांप काट लेता है, छेनी और हथौड़ी के दम पे अपना अंगूठा काट देते हैं, पानी का स्रोत पहाड़ में मिल जाता है, पत्ता खाते हैं, जिंदा रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। कुछ साल बाद बारिश हुई, फिर गांव के लोग वापस आ गए। दोस्तों 14-15 साल बीत चुका था, 17 साल जब वो पहाड़ काट रहे थे, कुछ राजनीति के माफिया लोग उनसे मिले, उनको बाबा को खनन माफिया बना के जेल में डाल दिए। वो पत्रकार वापस आता है, गांव के लोगों से मिलता है, बोलता है दशरथ मांझी जी है, उनकी पत्नी इस पहाड़ से गिर के मरी है, आपकी न मर पावे इसलिए उन्होंने पहाड़ काटने का सिलसिला जारी किया है। दोस्तों गांव के सब लोग मिलते हैं, धरना पे बैठते हैं, बाबा को छुड़ाते हैं, फिर पहाड़ काटना चालू कर देते हैं। 18 साल बीत गया, 90% वो पहाड़ काट चुके थे, गांव के छोटे छोटे बच्चे आकर के पहाड़ के अंदर लग जाते हैं कि बाबा हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों 95% पहाड़ कट गया, लास्ट में जब 5% बचा था तो गांव के कुछ लोग मिलते हैं, उस चट्टान को हटा करके उस 80 किलोमीटर के दूरी को मात्र 3 किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, और वो पहाड़ चीर करके रास्ता बना देते हैं। छेनी और हथौड़ी के दम पे एक इंसान पहाड़ चीर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अपनी मरी हुई पत्नी की याद में वो पहाड़ चीर सकता है, तो क्या अपने जिंदा पत्नी के लिए, अपने जिंदा बच्चे के लिए, जिंदा समाज के लिए, जिंदा परिवार के लिए क्या आप जिद्दी नहीं बन सकते हैं, आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, क्या आप अमीर नहीं बन सकते हैं, RCM का टेक्निकल इमराल्ड स्टार, इमराल्ड रूबी क्या आप नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं दोस्तों। आज के पहले कोई प्लेटफार्म नहीं था, लेकिन आज RCM बिजनेस से इस प्लेटफार्म पे आने के बाद ये लड़का रोड पे सब्जी बेचने वाला आदमी जब आपके बीच में बात कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं? तो तमाचा लगाइए दोस्तों, एक गया बिहार की बात थी, एक इंसान जो प्रेम पुजारी बने, माउंटेन बने, एक पत्नी हुई, मरी हुई पत्नी की याद में छेनी और हथौड़ी के दम पे उसने पहाड़ काट दिया दोस्तों। और ऐसे ही एक इंसान का जन्म उसी गया के धरती पे हुआ, एक छोटे से गांव में, एक संपन्न परिवार में रहने वाले माता पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, जहां पे वो जन्म लिए और जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई चालू होती है उनकी, और पढ़ाई लिखाई के दौरान उन्होंने अपने जिंदगी में करियर का शुरुआत किया, बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने च्वाइस किया, और बैंकिंग सेक्टर में 70 लाख इंजाम देने के बाद पहला फर्स्ट स्थान पर आया और बैंक उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों हम सबकी जिंदगी संवारने के लिए, बनाने के लिए वो इंसान बिहार छोड़ करके यूपी में आ गए, सैयद राजा में आ गए, बबुरी में आ गए, बनारस में आ गए, और 12 साल बैंक की नौकरी करने के बाद उनको RCM बिजनेस मिला, पार्ट टाइम में RCM बिजनेस को शुरुआत किए। 2 साल बाद उन्होंने बैंक की नौकरी को रिजाइन कर दिया और आज हिंदुस्तान के कोर लीडर आदरणीय श्री डी कुमार जी स्टार रूबी बन के तैयार हुए दोस्तों। और वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, सर का मिशन है 1000 स्टार रूबी, 1000 स्टार रूबी दोस्तों हो सकता है और हम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जिद होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, एकदम कामयाबी की भूख होनी चाहिए, ऐतिहासिक पागलपन होना चाहिए। उसके लिए चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आप जिद्दी बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप कामयाबी के लिए, और एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी आपकी कदम चूमेंगी दोस्तों। समय 10 मिनट का था, समय लगभग मेरा समाप्त हुआ। इसी के साथ नमस्कार, JRCM बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, थैंक यू सर। बढ़िया, सपने को जगा दिया सर, सपने को शानदार, सूरज सर बहुत शानदार, जबरदस्त।
मुर्दों को जगा दिया सर आपने। बहुत शानदार सर आपका। सर थैंक यू सर, जबरदस्त, जिंदाबाद।